तो वो मेरा टॉय था और बॉल दी थी तो मैं कोई भी प्लेन बॉल नजर आती थी घर में इस तरह खेलता रहता था। तो झिड़कियां पड़ी, वो निशान तो पड़ जाते होंगे बॉल के दीवारों पे। दीवारों पे, हाँ। घर में जिसको भी पता होता ये यहाँ खेलता रहा, ये यहाँ खेलता रहा, तो निशान बने होते थे। अच्छा, तो आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है जहांगीर खान। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। जहांगीर खान एक साबिक आलमी नंबर 1 पेशावर पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 बार वर्ल्ड ओपन टाइटल जीता और ब्रिटिश ओपन टाइटल 10 बार जीता। जहांगीर खान को वसी पैमाने पर अब तक के सबसे बड़े स्क्वाश खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। हम अपनी आगे की वीडियो में आपको जहांगीर खान की इब्तदाई ज़िंदगी, उनके कैरियर के उतार चढ़ाव और उनको मिले गए अवार्ड्स के बारे में बताएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जहांगीर खान की पैदाइश पिशावर के नेवे केले बयान से पश्तून खानदान में हुई थी। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने 6 बार वर्ल्ड ओपन और मुसलसल 10 बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता था। वो 1993 में बतौर खिलाड़ी रिटायर हुए थे और 2002 से 2008 तक वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद 2008 में वो वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के एमरिट सदर बन गए थे। जहांगीर खान के वालिद का नाम रोशन खान है और इनके भाई का नाम है तूरसम खान, और रहमत खान और बरतानवी गुलूकारा नताशा खान दोनों इनके कज़न हैं। इस वक्त वो अपनी बीवी गजाला और अपने 3 बच्चों के साथ कराची पाकिस्तान में मुकीम हैं। आइए अब नज़र डालते हैं जहांगीर खान के कैरियर पर। बचपन में जहांगीर जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थे और डॉक्टरों की तरफ से इन्हें किसी भी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी में हिस्सा ना लेने का मशवरा देने के बावजूद इनके वालिद ने हथिया के 2 ऑपरेशनों के बाद इन्हें अपना ख़ानदानी खेल खेलने की तरगीब दी। जहांगीर खान को इब्तदाई तौर पर इनके वालिद रोशन 1957 के ब्रिटिश ओपन चैंपियन, फिर इनके भाई तूरसम ने कोच किया। अपने भाई की नागहानी मौत के बाद इनकी कोचिंग इनके कज़न रहमत ने की, जिन्होंने खान की अपने कैरियर के बेशतर हिस्से में रहनुमाई की। 1979 में पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने फैसला किया कि खान को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आलमी चैम्पियनशिप में खेलने के लिए ना मुंतखब किया जाए, लेकिन वो 15 साल की उम्र में वर्ल्ड इमेच्योर इनफरादी चैंपियनशिप में दाखिल हुए और इस इवेंट के अब तक के सबसे कम उम्र फातह बन गए। नवंबर 1979 में तूरसम खान, जो 1970 की दहाई में स्क्वाश के मारूफ बैनुल अक्वामी खिलाड़ियों में से एक थे, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तूरसम की मौत ने खान को बहुत मुतासिर किया। इन्होंने खेल छोड़ने पर गौर किया लेकिन अपने भाई को खराज तहसीन पेश करते हुए इस खेल में कैरियर बनाने का फैसला किया। 1981 में जहांगीर 17 साल की उम्र में वर्ल्ड ओपन के सबसे कम उम्र फाते बने, जब उन्होंने फाइनल में इस वक्त के आलमी नंबर 1 जेविफ हंट ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। इस चैंपियनशिप ने नाकाबले शिकस्त रन का आगाज़ किया जो 5 साल और 555 मैचों तक जारी रहा। जहांगीर को इनकी नाकाबले यकीन फिटनेस और सलाहियत की वजह से मुमताज़ किया जाता था, जिसे रहमत खान ने सज़ा देने वाली तरबियत और कंडीशनिंग निज़ाम के ज़रिए तरक्की देने में मदद की। जहांगीर को इस खेल का सबसे फिट खिलाड़ी समझा जाता था। 1982 में जहांगीर ने सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने एक भी पॉइंट गंवाए बगैर इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर्स एसोसिएशन चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। जहांगीर की नाकाबले शिकस्त रन बलाखिर 1986 के फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड ओपन के फाइनल में इस वक्त ख़त्म हुई जब वह न्यूजीलैंड के रॉस नॉर्मन से हार गए, जो जहांगीर का पीछा कर रहे थे। और इनके नाकाबले शिकस्त सिलसिले के दौरान मशहूर था कि एक दिन जहांगीर अपने खेल से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और मैं इसे हासिल करूंगा। मुसलसल 555 मैचों में नाकाबले शिकस्त रहने के बारे में बात करते हुए जहांगीर खान ने कहा, ऐसा रिकॉर्ड बनाना मेरा मंसूबा नहीं था,
मैंने जो भी किया वो हर मैच में जीतने की कोशिश में किया गया। और ये 1986 में टोलोस में रॉस नॉर्मन के हाथों मेरी शिकस्त तक हफ्तों, महीनों और सालों तक जारी रहा। दबाव बढ़ने लगा क्योंकि मैं हर बार जीतता रहा और लोग ये देखने के लिए बेचैन थे कि क्या मुझे भी हराया जा सकता है। इस वर्ल्ड ओपन फाइनल में रॉस ने मुझे हासिल किया, ठीक 5 साल 8 महीने थे। मैं इस शिकस्त के बाद मजीद 9 माह तक नाकाबिल शिकस्त रहा। 1986 के आखिर में हम वतन जान शेर खान ने जहांगीर के तसल्लुत को चैलेंज किया। जहांगीर ने 1986 के आखिर और 1987 के अवाइल में अपने पहले चंद मुकाबलों में कामयाबी हासिल की, लेकिन जान शेर ने आखिरकार सितंबर 1987 में हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में सीधे गेम्स की फतह के साथ जहांगीर के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल की। जानशेर ने इसके बाद 1987 के वर्ल्ड ओपन टाइटल पर कब्जा करने समेत अपने अगले 2 से 2008 तक वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और बाद में एमिरेट सदर बन गए। आइए अब नज़र डालते हैं जहांगीर खान के एजाजात और इनामात पर। 1981 में 17 साल की उम्र में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जेविफ हंट को हराकर वर्ल्ड ओपन के सबसे कम उम्र फाते बने। 1984 में हकूमत पाकिस्तान के जारी करदा डाक टिकट पर नुमाया रहे। 1999 में फ्रांसीसी हकूमत की तरफ से खेल और बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। 2005 में टाइम्स अवार्ड, जो टाइम मैगजीन ने खान को गुज़िश्ता 60 सालों में एशिया के हीरोज़ में से एक करार दिया। 2007 में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट ऑफ फ़लसफ़े की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। 2017 में जापान की हकूमत की जारी करदा यादगारी डाक टिकट मिली। 2018 में खेल में शानदार कामयाबी के लिए 8वीं एशियन अवार्ड के फातेह ठहरे। 2018 में जहांगीर खान जापान में मुनक़िदा एक तकरीब में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के आलमी सदर बन गए। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने रखी थी, जिसका मकसद पाकिस्तान में सेहत की देखभाल और तालीम की सहूलियात फराहम करना है। जहांगीर खान को आलमी सतह पर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और एक एथलीट के तौर पर पहचाना जाता है, जिसने अपने खेल से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी तस्लीम किया जाता है। अपने रिकॉर्ड साज कैरियर के दौरान जहांगीर ने इस बार को इतना ऊंचा कर दिया कि कीमती चंद और लोग करीब आ गए। इनकी कामयाबियों को पीछे छोड़ने पर कोई एतराज नहीं। जहांगीर को पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन ऑफ द मिलेनियम भी करार दिया गया है। हाशिम खान, जहांगीर खान और जानशेर खान स्क्वाश के बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्हें दुनिया ने कभी जाना है, और जहांगीर तीनों में से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर हॉलीवुड को सिर्फ इनका अलमिया, हौसला और अज़्म की कहानी मालूम होती तो वो शरेड्स ऑफ फायर जैसी एक और फिल्म बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि बहुत से लोग जो इन्हें जानते हैं वो इन्हें अब तक का बेहतरीन एथलीट समझते हैं। 1990 में जहांगीर प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन के चेयरमैन और 1997 में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब हुए। जहांगीर नवंबर 1998 में वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर और अक्टूबर 2002 में WSF के सदर मुंतखब हुए। 2004 में जहांगीर को कासा नोएल मॉरिशस में बैनुल अक्वामी फेडरेशन के 33वें सालाना इजलास में मुत्तफिका तौर पर दोबारा WSF का सदर मुंतखब किया गया। जहांगीर खान को लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने खेल में इनकी खिदमात पर डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी की एजाजी डिग्री से नवाजा। स्क्वाश में इनके मुकम्मल गलबे के नतीजे में द विनर का लकब दिया गया। जहांगीर खान ने अपने रिकॉर्ड तोड़ कैरियर के दौरान सिर्फ एक ब्रांड का इस्तेमाल किया और वो इसका मुतरादिफ था, अनस्क्वाशेबल।
जहांगीर खान कॉमनवेल्थ गेम्स के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं जिनका नाम 6 आलमी चैंपियनशिप्स में शामिल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करते हुए जहांगीर खान ने कहा कि वो इन लोगों की तादाद से मुतासिर हैं जो दौलत मुश्तरका के मारूफ स्क्वाश खिलाड़ियों के लिए एथलीटिज्म के नाकाबिले यकीन कारनामे देखने आए हैं। वो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कहने लगे कि मैं अब तक इसके माहौल और हाजिरी से बहुत मुतासिर हूँ। जब आपको रोज़ाना 2000 तमाशाई मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये खिलाड़ियों के लिए मुनफरिद है और बहुत अच्छा माहौल है। कहने लगे कि इंग्लैंड हमेशा खेल के लिए बहुत मावन रहा है। मुझे इन खेलों में इन शायकीन के साथ आने पर वाकई खुशी हुई है जो खिलाड़ियों को खुश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त है कि जब आप फाइनल राउंड में तमाम टॉप खिलाड़ियों को देखते हैं, तमगों के लिए भी मुझे यकीन है कि वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे और मुझे ये भी यकीन है कि सब के लिए ये दिन बहुत अच्छा होगा। तो नाज़रीन, ये थी जहांगीर खान की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।